प्रीतिस किचन डायरी में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं चिकन बोटी रोल। चिकन बोटी रोल बनाने के लिए मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है, मीडियम आंच है। इस पे मैंने एक टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल मिलाया है। एक ये मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज है, इसको हल्का सा डाल के लाल करेंगे हम। प्याज हमारा बिल्कुल लाल हो गया है। अब इसमें हम एक चम्मच पिसी धनिया, क्वार्टर पिसी हल्दी, हल्का सा मीडियम आंच पे इसको भुनेंगे। एक टीस्पून पिसा मिर्चा, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, एक छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, एक छोटा बाउल मैंने चिकन लिया है, इसको धो के छोटे छोटे पीस कर लेके मिला लेंगे। अच्छे से सारे मसाले चिकन में मिला लेंगे। एक चम्मच, डेढ़ चम्मच, छोटा चम्मच दही मिला रहे हैं। इसको हम मीडियम आंच पे 5 से 7 मिनट तक कुक कर लेंगे, अच्छे से हमारे इसकी बोटी गल जाए। एक छोटा चम्मच पानी मिला देते हैं, हल्के से बढ़िया सा गल जाएगा धीमी आंच पे। अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे और ढक के 5 से 7 मिनट तक छोड़ देंगे। तब तक अपना पराठा तैयार कर लेंगे इसका। इसे कुक करते हुए 12 से 13 मिनट हो गया है, देखते हैं। अच्छे से हमारा चिकन को एक कट करके इसी से देख लेते हैं, पता चल जाएगा गल गया है बिल्कुल। गैस बंद कर देंगे हम। अब इसका हम रोल तैयार करते हैं। चिकन बोटी रोल बनाने के लिए मैंने एक पराठा लिया है, इसके ऊपर हम पैरी पैरी सॉस लगा रहे हैं। आपको जो भी सॉस पसंद है अपने टेस्ट के अनुसार आप लगा सकते हैं। एक चम्मच चिली सॉस मिला रहे हैं। अब इसमें हम चिकन रख लेंगे जो मैंने तैयार किया था अभी, कच्चे प्याज के लच्छे कुछ। ये देखिए हमारा चिकन बोटी रोल बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।